हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कलेक्ट्रेट से इंदिरा गांधी सर्कल तक संत श्री खतेश्वर मार्ग का हुआ लोकार्पण। बाड़मेर राजपुरोहित समाज के लिए विधायक एवं गौ सेवा आयोग अध्यक्ष ने की 25 लाख रुपए की घोषणा। अनंत विभूषित महर्षि ब्रह्मचार्य श्री ब्रह्म सावित्री सिद्ध पीठाधीश्वर परम पूज्य श्री तुलसा राम जी महाराज पीठाधीश श्री खतेश्वर ब्रह्म धाम तीर्थ आसोतर एवं भारतीय साधु समाज के राष्ट्रीय महामंडलेश्वर पूज्य निर्मल दास जी महाराज के सानिध्य तथा बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन सभापति नगर परिषद बाड़मेर दीपक माली सुरेंद्र सिंह पुरोहित अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाड़मेर की उपस्थित में बाड़मेर जिला मुख्यालय पर स्थित मुख्य सड़क जिला कलेक्टर से सर्किट हाउस तक संत श्री खतेश्वर मार्ग का फीता काट कर लोकार्पण किया गया। राम सिंह बोतिया ने बताया कि जिला मुख्यालय स्तर पर मुख्य सड़क का नामकरण संत श्री खतेश्वर के नाम पर होना हम सभी राजपुरोहित समाज के लिए अनंत हर्ष का विषय है। एडवोकेट गोपाल सिंह भवरिया ने बताया कि इस लोकार्पण कार्यक्रम के तत्पश्चात राजपुरोहित छात्रावास में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम में संत श्री तुलसाराम महाराज ने खतेश्वर भवन के लिए 21 लाख की घोषणा तथा बाड़मेर विधायक एवं गौ सेवा आयोग अध्यक्ष में मेवाराम जैन ने राजपुरोहित समाज के लिए 25 लाख की घोषणा की। मेवाराम जैन ने संबोधित करते हुए कहा कि संत श्री तुलसाराम जी महाराज ने पुरोहित को शिक्षा तथा समाज को नई दिशा दी। सदा हम सभी पर संत श्री का आशीर्वाद मिलता रहे। जैन ने कहा कि राजपुरोहित समाज ने जब भी मेरे कोई काम को मांगा मैंने दिल खोल कर खर्चा किया, कोई कंजूसी नहीं रखी, आगे भी करता रहूंगा। इस मौके पर विकास सिंह पारुल उप सचिव कार्मिक विभाग जयपुर, आनंद सिंह राजपुरोहित उप अधीक्षक राजस्थान पुलिस बाड़मेर तथा गजरेन्द्र सिंह संकरण जिला अबकारी अधिकारी बाड़मेर, रमेश सिंह तहसीलदार बाड़मेर, प्रहलाद सिंह महिला एवं बाल कल्याण अधिकारी, सुरनाथ सिंह देवड़ उप सभापति, वीपी सिंह पारदर्श बाड़मेर समेत कई समाज के लोग मौजूद रहे। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकराराम मेघवाल की रिपोर्ट।